अब ये कैसे लड़ेंगे अगर खुद नहीं बोलेंगे? दिखाइए हम लोग इनके लिए बोलने वाले हैं, बोल सकते सर इनके लिए, इनके साथ अन्याय हुआ, एक अच्छे बीजेपी के कार्यकर्ता से मुंह कह रहा हूँ सर। आप बताइए जो आपके बीजेपी के अच्छे पुराने कार्यकर्ता है, अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से है, समाज सेवी व्यक्ति है, इनके साथ अन्याय हुआ, इनको टिकट नहीं दी गई थी। और 13 बार या 9 बार दिया आएगा टिकट, घाट उठा कर नदी उठाकर कह दी साहब लाल, ऐसा मत करिए। आप अपने राज्य में अनिल जी बोल रहे थे कि चार घाट नदी पूरब की तरफ सजना बन जाए, आज जमाने में पश्चिम तरफ नहीं बनी थी। तो कौन सी पार्टी के जीते फिर आपके यहाँ से? निर्दलीय, निर्दलीय ले गए एक गलती की वजह से। ऐसा ही मेरे ख्याल से हर जगह हुआ है चार घाट में। नहीं मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि ज्यादातर जो पुराने कार्यकर्ता थे, जो पार्षद थे, उनके टिकट काट के नए लोगों को जगह दी गई। कंपटीशन था जिसको जानते थे कि सर हमसे दूर हो सकते हैं, ऐसा हमारे नहीं था। तो तो वो तो छोड़िए, चलिए अभी आप अभी भी आप बीजेपी कार्यकर्ता हैं कि आपने पार्टी बदल ली? नहीं, हम निर्दलीय से लड़े थे और भाई जो जैसा समय कहेगा वैसा करेंगे। अच्छा, लेकिन खुश आप बीजेपी पार्टी से खुश हैं कि बीजेपी पार्टी से ही नाराज हो गए? नाराज की बात, जैसा समय कहेगा वैसा करेंगे। अभी कुछ नहीं है, सारे गुस्सा सब शांत हो गया है। चलिए तो अच्छी बात है, समय का इंतजार आदमी करता है। तो अभी अध्यक्ष किसको बना रहे हैं आप लोग? तो समय बताएगी यहाँ पर, तो आप देखिए समय, हर चीज समय ही बताएगा। तो आप लोग क्या सोचेंगे, क्या कहते हैं, आपकी राय हम पूछ रहे हैं, समय की राय नहीं पूछ रहे हैं। समय तो पैसे वाले हो गई है। हाँ ये बोलिए, ऐसा बोलिए, समय तो पैसे वाले हो गए। अच्छा, इसलिए दुर्लभ हो गया। लेकिन आपके यहाँ चाक घाट में एक लड़का जीता है जो काफी कम उम्र का है और शायद निर्दलीय जीता 7 बार, और मुझे पता चला कि उसने पैसा वगैरह भी खर्च नहीं किया था, तो क्या कहेंगे आप उसके बारे में? हल्के से किसी का चुनाव नहीं था, 15 बार कहा है तो हल्के, अच्छी सीट है, हर्जन बार है, वही ये कहे ऐसा साल के में कोई नहीं। अच्छा, कहे भले तो अभी इस बार लगभग सब नए पार्षद चुने गए है ना, कोई भी रिपीट नहीं हुआ है, कोई भी दोबारा पार्षद अभी इस बार नहीं बना है, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे वो निर्दलीय रहा हो। क्या लगता है, जैसे वार्ड नंबर 7 से वो जो 23 साल 22 साल का लड़का 21 साल का जीता है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है पर बच्चा है एक तरह से, क्या लगता है 7 नंबर वार्ड में बहुत सी समस्याएं हैं, नाली की समस्या है, गंदे पानी की समस्या है, गंदगी बहुत है घाट में। हम जानने लगे तो एक पहली बात है, जो अध्यक्ष बनते हैं तो बनने के बाद उपाध्यक्ष तक पार्षदों को सम्मान करते हैं, उपाध्यक्ष के बाद वो सम्मान बंद कर देते हैं पार्षदों को, पार्षदों के हिसाब से काम नहीं किया जाता है पार्षदों में। अच्छा है, वो फिर अध्यक्ष सीईओ इंजीनियर 3 ही रह जाते हैं। अच्छा, और फिर इस हिसाब से काम करते हैं कि ढाल का जात पूरा की तरफ है तो पश्चिम तरफ ढाल बना देते हैं, तो कैसे कीचड़ बहेगा, ये उल्टा ढाल बना देंगे। तो अभी जैसे मैंने सुना कि चाक घाट में एक पार्टी वाले एक स्कॉर्पियो और 10 लाख रुपए दे रहे हैं, 15 लाख रुपए दे रहे हैं, दूसरी पार्टी वाले जिनको दूसरे पार्टी क्या मतलब जिनको अध्यक्ष बनना है दूसरी अपोजिशन में, तो वो दे रहे हैं एक स्कॉर्पियो और 30 लाख रुपए, क्या कहते हैं आप उसके बारे में? अरे हो गया, तो देखा हुआ चुनाव देखा चाक घाट के पैसे वालों को हो गया है। अच्छा, तो हो गया स्कॉर्पियो नहीं नकदी देंगे तो भी उतने बराबर है, चाहे स्कॉर्पियो दें चाहे नकदी दें। अच्छा, तो पैसे वालों को गया तो फिर क्या इस तरह से बनी हुए अध्यक्ष चाहे किसी भी पार्टी के हो, क्या वो टिकट ऐसे हो गया है किसी तरह से कि नहीं तो बघेड़ी से टका कर नदी के इस पार देवन इकट्ठे 13 वार्ड के। अच्छा, इसी तरह पैसे वालों को हो गया है टिकट भी, बघेड़ी में न कोई उनके कार्यकर्ता थे न उनके कोई पैसा वाले थे। एक और कार्यकर्ता थे सौखी लाल सोनी। हाँ, सौखी लाल सोनी उन्होंने भी बहुत देखा करता था उनका,
पखेड़ी किसी को दे देते, नदी इस पार न ले जाते तो समीकरण न कर। अच्छा हाँ, जब नदी टका दिए बीजेपी पार्टी को एक सीट कम गंवानी, मतलब जो मिली है प्राप्ति हुई है, मतलब एक सीट गंवानी पड़ी है सिर्फ गलत फैसलों के कारण। अच्छा, बीजेपी के हाई कमान के गलत फैसलों के कारण सर एक सीट बीजेपी पड़ी है। आज रिजल्ट अच्छा होता बीजेपी खाते में होती वहाँ की खाते में। ये अध्यक्ष का जो कॉम्पिटिशन चल रहा है इतना समझ है ना, वो कंपटीशन भी न रहता है, इसलिए इतना मजबूत ही प्रत्याशी न रहता, जब जीतता ना तेरा बात में, जब जीतवा न बांस रहती न बांस नहीं बचती है, महंगाई तो बढ़ाया है केवल ऐसा कुबेर को लिया करती। उसने कहता है क्या सामुंद से कहीं एक एक दो किल्लू पानी निकाल लेंगे तो कहीं घर जाएगा क्या, तो सामुद्र बनता है प्रयाग। अच्छा चलिए ठीक है, आप अपना नाम बता दीजिए, थोड़ा परिचय दीजिए अपने बारे में। नाम तुम्हारा उमेश कुमार कुशवाहा है, उसे सरदार कुशवाहा के नाम से जानते हैं सर। अच्छा, कहाँ से रहते हैं आप, कहाँ रहते हैं? मेरा वार्ड है, मेरा वार्ड। पहले आप पार्षद थे? पार्षद थे मैंने 2005 में बीजेपी से। अच्छा, बीजेपी के अच्छे कार्यकर्ता करता हूँ। अच्छा, अच्छा दुनिया जानती है कि मगर होगा उसको किसी मजबूरी कारण क्या कारण हुआ नहीं दिया गया, अब अघेड़ी में किसी को नहीं दिया गया, नदी उत्तर प्लान दिया गया, नदी पार दिया, नौ वार्ड वालों को दिया गया जो नौ वार्ड में। अच्छा, सिर्फ पैसे का खेल था इस बार ऐसा आप बोल रहे थे अभी? हाँ, बोल भी रहे, पैसा भी तो बघेड़ी टिकट देते, टिकट तो बघेड़ी में दिया जाता, किसी को दिया जाता बघेड़ी।